बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन कराम, ज़्यादातर कौमें अपने बच्चों को शेर से तशबीह देना ज़्यादा पसंद करते हैं और शेर को बहादुर तरीन जानवर समझते हैं क्योंकि वो जंगल का बादशाह है। मगर दुनिया में कुछ ऐसी कौमें भी हैं जो अपने बच्चों को शेर की बजाय भेड़िए से तशबीह देना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। अगर इन्हीं कौमों में से एक तुर्क कौम को ले लिया जाए तो तुर्क कौम अपने बच्चों को भेड़िए से तशबीह देना ज़्यादा पसंद करते हैं। भेड़िया, जिसे इब्नुल बार भी कहा जाता है, और भेड़िया ही तुर्कों का कौमी जानवर क्यों है? भेड़िए को नेक बेटा क्यों कहा जाता है? भेड़िया अपनी माँ और बहन को कभी भी शहवत की निकाह से क्यों नहीं देखता? तुर्क और मंगोल भेड़िए की खाल को जिस्म पर क्यों ओढ़ते थे? भेड़िया जिन्नात का कैसे ताकब करके इन्हें कत्ल करता है? और भेड़िए के अंदर पाई जाने वाली चंद सफात और खसूसियात जो जानवरों में तो क्या इंसानों में भी नायाब होती जा रही हैं, ये सब कुछ आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नाज़रीन कराम, भेड़िया तुर्की का कौमी जानवर है और तुर्क कौम भेड़िए से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपने बच्चों को भेड़िए से तशबीह देते हैं। भेड़िया, जिसे अरबी में इब्नुल बार भी कहा जाता है, जिसका मतलब है नेक बेटा, क्योंकि जब इसके वालदैन बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चा इनके लिए शिकार करता है और वालदैन का पूरा ख्याल रखता है। नाज़रीन कराम, भेड़िया वो वाहद जानवर है जो अपनी आज़ादी पर कभी भी समझौता नहीं करता, जबकि शेर समेत तमाम जानवरों को गुलाम बनाया जा सकता है। यही वजह है कि आपने कभी चिड़ियाघर में भेड़िए को नहीं देखा होगा, क्योंकि जिस दिन से उसे गुलाम बनाया जाता है उसी दिन से ये खाना पीना छोड़ देता है। भेड़िया कभी मुर्दार गोश्त नहीं खाता और यही जंगल के बादशाह का तरीका है। अगरचे भेड़िया एक जानवर है मगर इसके बावजूद अपनी माँ और बहन को शहवत की निगाह से नहीं देखता। ये अपनी शरीक हयात का इंतहाई वफादार होता है। ये अपनी शरीक हयात के अलावा किसी और की तरफ ताल्लुक कायम करने की निगाह से नहीं देखता, जबकि मोनस भी भेड़िए के साथ वफादारी करती है। भेड़िया अपनी माँ और बाप को पहचानता है क्योंकि इसकी माँ और बाप एक होते हैं। जोड़े में से अगर कोई मर जाए तो दूसरा कम अज कम 3 माह तक उसी जगह पर अफसोस करता है। भेड़िए के बच्चे जब पैदा होते हैं तो इनकी आंखों का रंग नीला होता है, तब इनको ना कुछ दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। भेड़िए के सुनने की बात की जाए तो ये 6 मील दूर से आने वाली आवाज को सुन लेता है। अगर इनकी रफ्तार की बात की जाए तो ये 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। अगर इनके पंजों की बात की जाए तो इनके पंजे बतख की तरह होते हैं, जिसकी वजह से ये बेहतरीन तराक भी होते हैं। अगर इनके देखने की बात की जाए तो इनकी आंखें इतनी तेज होती हैं, अगर किसी जिन का ताकब कर ले तो इस पर तेजी से हमला करके इसको पलक झपटते ही मार सकते हैं। नाज़रीन कराम, भेड़िए की बेहतरीन सफात में वफादारी, खुददारी और वालदैन से हुस्ने सलूक मशहूर है। इसी वजह से तुर्क और मंगोल भेड़िए से प्यार करते हैं, इसीलिए तुर्को मंगोल का कौमी जानवर भेड़िया है। नाज़रीन कराम, तुर्क और मंगोल जब शिकार पर जाते तो भेड़िए की खाल को अपने जिस्म पर इस तरह ओढ़ लेते कि भेड़िए का सर इनके सर के ऊपर आ जाता, जिससे इनका मानना था कि जब वो जंगल से गुजरते हैं तो दूसरे जानवर भेड़िए से डरते हैं और वो इन पर हमला नहीं करते। नाज़रीन कराम, ये थी भेड़िए की चंद खसूसियात और सफात जिसकी वजह से तुर्को मंगोल का कौमी जानवर भेड़िया है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।